smell it. जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, वैसे तो इसका एक वीडियो बन चुका था लास्ट टाइम, जो कि आप लोगों ने देखा, उसका टाइटल था कानपुर से वाली आई हुई गाड़ी थी। लेकिन इसमें क्या था, काफ़ी सारी चीज़ें नई एड ऑन हो चुकी हैं जो मैं सोचा आप लोगों का शेयर करता हूँ, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें और हैं। भैया से ही बात करेंगे, सिर्फ बात करेंगे, दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये अपने चैनल पर ही दिखाएंगे अपना फेस। ठीक है, चैनल का नाम है भैया का मिस्टर BMW, इसको सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी इसमें चैनल में जाके आप देखना। बाकी हम बात करेंगे आज इसमें क्या क्या चीज़ें और हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी, काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर वाइज़र की। जैसे वाइज़र एक्चुअली क्या था, ये पहले लग चुकी हैं सारी चीज़ें, इसमें अभी मेरे हिसाब से 4-5 चीज़ें लगी होंगी नई, तो वो भी दिखाऊंगा मैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ सारे कवर कर दूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है एग्रोपब्लिक का। जी हाँ, एग्जॉस्ट भी लगा हुआ। जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हम अपनी BMW GS में कौन सा एग्जॉस्ट साइलेंसर लगाना चाहते हैं, तो उन लोगों की प्रॉब्लम भी ये वीडियो में सॉल्व होने वाली है। तो वन एंड ओनली एक एग्जॉस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, साउंड भी सुनाऊंगा उसका जो कि इसमें लगा रखा है। एक वाइज़र हो गया इसमें, और वाइज़र के पीछे अगर आप आते हो यहाँ पर, तो एक यहाँ पर आप चेक करोगे तो GPS माउंट लगा हुआ है, और GPS माउंट काफ़ी सारे लोग लगाते हैं, लेकिन ये इस तरीके के क्लैंप्स नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से मैं ना वाइब्रेशन का इशू आता है। अभी देखो ये फ़ोन वगैरह लगेगा ना तो वेट हो जाएगा, तो राइडिंग के दौरान क्या रहता है, ये ऐसे हिलता रहता है, बट इसमें ऐसे इशू नहीं आने वाला है। साथ ही में इसमें सिमटेक का मोबाइल होल्डर लगा रखा है, जो कि पूरा फोन हो जाएगा आपका इसमें लग जाता है, और किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फुल्ली वाटरप्रूफ रहता है दोस्तों। और इसके अलावा इसको चार्ज करोगे वो भी विदाउट वायर से, यानी कि जैसे आपका आईफोन है तो वो चार्ज हो जाता है वायरलेस तरीके से, वो भी होगा। बाकी अगर आप लोग वायर से करना चाहते हो तो वो भी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, GPS माउंट हो गया, मोबाइल होल्डर हो गया, वाइजर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा होगा, ये लास्ट टाइम दिखाया था मैंने आपको हेडलाइट का ग्रिल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बिल्कुल टच हो रहा था हेडलाइट से, जिससे स्क्रैचेस वगैरह पड़ रहे थे और क्लीनिंग करने में दिक्कत आ रही थी। तो हमने इसको थोड़ा सा और आगे कर दिया है, एक्सटेंडर लगा दिया इस तरीके से, जिससे आप इसको साफ भी कर सकते हो, वरना क्या रहता था ये वाला एरिया गंदा दिखता है, तो फ्रंट काफ़ी ज़्यादा वाहियात लगता है। तो ये हो गया बेसिकली, इसका जो काम होता है हेडलाइट की प्रोटेक्शन के लिए होता है। यहाँ पर वाई वाली फॉगलाइट लगा दी, इसे मर्सिडीज़ वाले भी कहते हैं, विद हायरनेस वायरिंग। अब हायरनेस वायरिंग जिन लोगों को नहीं पता, बता दूं भाई, हायरनेस वायरिंग फॉगलाइट की अपनी खुद की एक वायरिंग होती है, खुद का एक डिपार्टमेंट होता है, जिससे आपकी बाइक की वायरिंग से कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई लेन देन नहीं होता, फुकती नहीं है, गारंटी वगैरह भी कोलैप्स नहीं होती है, स्विच मिलता है इस तरीके का, दिखाने के बाद यहाँ पर, तो ये स्विच होता है जो कि आपको रेड एंड ब्लू कलर का जो है आपको मिलता है, जो कि इसके साथ ही आता है। जैसे इसको ऑन करते हो येलो हो जाता है, ठीक है जी, फिर आपका वाइट हो जाता है, फिर येलो वाइट हो जाता है, लेकिन जब हम इसको ब्लू वाले स्विच को दबाते हैं ना, तो ये फ्लैशिंग करता है लाइक हैजार्ड, कभी इस साइड कभी इस साइड। तो ये आप लोग देख लेना आपको वाइट से करना है या फिर किससे करना है। तो ये होता है अटेंशन लेने वाली चीज़ कि भाई हमारी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो तुम। अब देखो फॉग लैंप्स के नीचे अगर आप देखोगे तो क्लैंप्स लगा रखी हैं प्रॉपर, ताकि किसी भी तरीके का वाइब्रेशन का इशू ना हो। यहाँ पर 4 प्रोटेक्शन लगा हुआ है, 4 स्लाइडर लगे हुए हैं, जो कि ये बिल्कुल अभी नए लगाए हैं ये वाले, ये चेक कर सकते हो। इससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लग चुकी, जैसे मैंने आपको बताया। तो गोल्डन कलर के सस्पेंशन थे, तो पूरी प्रोटेक्शन हो गई, सस्पेंशन वगैरह डैमेज नहीं होगा, मान लो बाइक गिरती हुई आपकी तो फुल्ली सेफ्टी रहती है। इसके अंदर देखोगे तो रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है, जो कि रेडिएटर की सेफ्टी के लिए स्टंप गार्ड इसमें लगा रखा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इसका क्रैश गार्ड, जो कि इसको लगाए बगैर GS में ना मज़ा नहीं आता, मन ऐसा लगता है जैसे इसने कपड़े ना पहन रखे। मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो भाई मुझे, तो अगर मैं कभी फ्यूचर में GS लूँगा तो क्रैश गार्ड तो मुझे लगाना चाहे मैं टूरिंग करूँ या ना करूँ, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इतने पैसे खर्च करते हो तो कोई मान लो बाइक बिक जाती है, स्क्रैच आता है तो काफ़ी दुख होता है। तो उसके लिए यहाँ पर सिंगल पीस में क्रैश गार्ड आ गया। कलर चाहो चेसिस से मैच कर लो, इस वाले पार्ट से मैच कर लो, इस वाले पार्ट से मैच कर लो, यानी कि लगाया था कि चेसिस से कनेक्ट हो और ऐसा ना लगे कि बाहर से काम करा रखा है। तो यहाँ पर आगे बात हो जाती है, अभी नहीं ख़त्म। इसके अलावा यहाँ देखोगे तो जो आपका जो है ये फूटर्स की तरह जो आपने देखोगे इस तरीके, तो ये भी चेंज करा सकते हो। बाकी आपका जो है ब्रेकिंग वाले के ऊपर आप देखोगे थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है इसका हाइट, तो ये कवर लग गया है जस्ट उसके ऊपर, और इस साइड से अगर आप लगाना चाहते हो तो इस पर लग जाएगा, तो वो भी एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगा रखा है, और अगर आप दोबारा तो यहाँ पर आप देखोगे तो बागबस्टर के हैंड गार्ड लगे हुए हैं, जो कि लास्ट टाइम लगाए थे इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, इंडिकेटर का भी ऑप्शन था, ये लो जी। ठीक है जी, आप यहाँ पर हैजार्ड भी लगा रखा है, जिसका एक बार स्विच आपने ऑन किया, दैट्स इट, ये लो जी। इसमें भी 25-30 पैटर्न मिल जाते हैं, और इसी के साथ में एक चीज़ और लगाई है, जो कि GS वाले नहीं लगवाते हैं, वो है इसके आगे तो काफ़ी सारी लाइट लगाते हैं, लेकिन पीछे के मामले में थोड़े से फेल हो जाते हैं, क्योंकि पीछे भी लाइट वगैरह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई बड़ी गाड़ी पीछे आ रही है नहीं पता चला भाई,
तो कुछ भी हो सकता है। तो पीछे भी इस तरीके के मैं इंडिकेटर सजेस्ट करूँगा आपको। इसको नाम दिया मैंने बुलेट इंडिकेटर। बुलेट का मतलब ये नहीं कि बुलेट के हैं, ये बुलेट की शेप में है, लाइक गोली की शेप में। तो इसका आप थ्रो देख लो कितना ज़्यादा है। ये दो छोटी छोटी चीज़ें आप लगाने के बाद सेफ्टी कर सकते हो पीछे से भी, ठीक है जी। अच्छा, ये इस तरीके से लग जाते हैं और ज़रूरी नहीं है GS है तो किसी बाइक में लगाते हैं। एक टायर हैगर भी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो लगा हुआ है। इसके अलावा पूरी किट मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें GS की ब्रांडिंग के साथ आपके साइड पैनल स्टॉप बॉक्स विद फिटिंग इंस्टॉल्ड है, जो कि ऐसा लगेगा नहीं कि आपने बाहर से करा रखा। फिनिशिंग लेवल चेक करो यहाँ से, तो पूरी की पूरी सैडल स्टेज वगैरह इसमें कनेक्ट है। बाकी और भी काफ़ी सारे डिजाइन मिल जाएंगे, मैट में मिल जाएगा, यूनिवर्सल भी है अपने पास। और इसके साइज़ वगैरह जो होते हैं लीटर्स में आते हैं, तो वो आप लोग देख लेना। बाकी इसमें हेलमेट आ जाएगा, काफ़ी सारा सामान और आ जाएगा। और ये होते हैं डिटैचेबल, इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो। यहाँ से आपने इसको हटाया, अच्छा ये आ गया। लो जी, अब ये बता देता हूँ मैं क्या सीन है इसका। पहले तो हम इसको रख देते हैं इस साइड में। अब आप देख लो इसकी फिटिंग, ये ऐसा लगेगा आपने BMW से ही लगवा रखा है। देखो फिनिशिंग कितनी अच्छी है। अब क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हमने इसमें काफ़ी सारा एक्सपेंसिव सामान रखा हुआ है। कुछ भी हो सकता है आप लोगों का सामान, तो आप पूरी बाइक तो बाहर छोड़ के जाओगे, वो तो पक्का है, जाना ही पड़ेगा, उसको तो अंदर नहीं ले जा सकते। लेकिन आप इस तरीके का जो है ना टॉप बॉक्स साइड पैनल्स को निकाल कर अपने होटल में या अपने घर पर, या आपको जब जाना हो तभी इसको अटैच करो। बाकी पूरा इस तरीके का लिए फिरने की जरूरत नहीं है आपको जगह जगह। तो ये से रहता है इसका प्लग एंड प्ले। अच्छा, बात कर रहा था एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट देख लो एक बार, बैंड पाइप के साथ लगा दिया है, जिसमें सेंसर का भी पूरा कनेक्शन दिया गया ताकि इंजन पर किसी तरीके का इफेक्ट ना हो और गारंटी भी खत्म ना हो। तो यहाँ पर है ये एग्जॉस्ट एक्रा पब्लिक का, जिसका मैं साउंड सुनाता हूँ आपको। DB कलर एंड विदाउट DB कलर दोनों ऑप्शन होते हैं, ठीक है जी। तो सुनते हैं पहले DB कलर के साथ। तो अब इसका DB कलर निकालते हैं। तो गाइस सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक बार इस बाइक के पूरे मालिक हैं उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन बिना दिखाए। तो आप बाइक देखते रहो, आप बताओ भाई साहब इसके बारे में क्या बताना चाहते हो और अपने चैनल के बारे में बताओ थोड़ा सा। अभी तो मैंने 2 मंथ हुए अभी कंप्लीट हो गया है मेरा, लेकिन इसका रिव्यू जो है मैं कहूँगा ऑसम बाइक है। और जो भी हम यूज़ कर लिए अभी यूज़ कर रहे हैं VI के यहाँ से, भी मैंने मॉडिफिकेशन पहले भी कराया था, अभी भी मैंने कराया, अभी मैंने कुछ चीज़ें लगवाई हैं इसमें, जैसे लाइक आपने एग्जॉस्ट का साउंड सुना होगा, बहुत ही ऑसम था। और मेरा जो चैनल है वो मिस्टर BMW है, आप इंस्टा में इसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना प्यार दिखा सकते हैं। थैंक यू। तो भैया का फेस देखने के लिए अगर आप उत्सुक हैं तो चैनल पे चले जाइए। इसमें क्या रह गया मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मिलता हूँ किसी अगले, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।